जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि प्रत्येक सुबह हम लोग शैक्षिक खबरों पर चर्चा करते हैं, शिक्षक भर्ती के संदर्भ में, यूपी टेट के संदर्भ में, अन्य और भर्तियों के संदर्भ में क्या अपडेट रहता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में भी हम लोग शिक्षक भर्ती, टेट, सीटेट आज से संबंधित खबरें क्या हैं, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से संबंधित क्या खबरें हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में पद भले ही कम थे लेकिन आवेदक ज्यादा थे और रिजल्ट भी आउट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक उन लोगों की नियुक्ति पेंडिंग में फंसी हुई है। और आपको पता है कि जो भी प्रबंधक हैं उन लोगों द्वारा एक बार मांग भी किया गया कि यदि आप अपने स्तर से चयन नहीं कर सकते हैं तो यह अधिकार मुझे ही सौंप दिया जाए, क्योंकि पहले जो भी एडेड कॉलेज थे उनमें जो उसमें प्रबंधक ही नियुक्ति करते थे, वह अपने किसी खास को या किसी अन्य लोगों को पैसे ले करके, अब पूरी एलिजिबिलिटी तो रहती ही थी, कर देते थे। लेकिन वर्तमान में अधिकार उनसे छिन गया। अब अधिकार छिन जाने के कारण अभी तक वह स्वयं उसमें नियुक्त नहीं कर सकते अध्यापक को, और सरकार भी अध्यापक नहीं भेज पा रही है। तो कुल मिला जुला करके जूनियर एडेड में भी बच्चों की संख्या कम होती चली जा रही है और अध्यापक की काफी कमी होती चली जा रही है। केवल ऐसा नहीं है कि केवल प्रसिद्धि विद्यालय में ही अध्यापक कमी है, प्रसिद्धि में, जूनियर में, माध्यमिक में, सब जगह देखा जाए तो कमी महसूस हो रही है और कमी है भी। आज उसके संदर्भ में दिया है कि परीक्षा पास कर भटक रहे 43,610 अभ्यर्थी, जूनियर एडेड विद्यालयों में रिक्त 1894 पदों पर होना है चयन, 2022 में आया था परिणाम। जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की परीक्षा उत्तीर्ण कर 43,610 अभ्यर्थी 2 वर्ष से नौकरी के लिए भटक रहे हैं। वह शिक्षा निदेशक से लेकर लखनऊ तक के चक्कर लगा रहे हैं और कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने 2021 में जूनियर एडेड विद्यालयों में शिक्षक और प्रधानाचार्य के 1894 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था। इसके लिए प्रदेश में लाखों आवेदन आए थे। इसकी परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को कराई गई। 150 अंकों की परीक्षा में 90 से अधिक अंक पाने वाले सफल घोषित किए गए। इसका परिणाम 15 नवंबर 2021 को घोषित कर दिया। परिणाम आया तो कुछ अभ्यर्थियों ने उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका आरोप था कि परिणाम में गड़बड़ी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश पर परिणाम संशोधित किया गया। पीएनपी ने संशोधित परिणाम 6 सितंबर 2022 को जारी कर दिया। इसके खिलाफ भी कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को सभी याचिकाएं खारिज कर दी। आदेश दिया कि संशोधित परिणाम के आधार पर चयन हो। अब देखिए 15 फरवरी 2024 का जो आदेश है इसमें कोई याचिका पेंडिंग नहीं है और आदेश है सरकार को कि यह इस अनंतिम परिणाम पे भर्ती करे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चयन प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए थी। नियमानुसार रिक्त 1894 पदों के सापेक्ष काउंसलिंग होगी, सफल अभ्यर्थियों की मेरिट बनेगी और रिक्त पदों के लिए चयन होगा। यह मामला बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल के पास लंबित है। पिछले दिनों कई अभ्यर्थी लखनऊ में निदेशक से मिले लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इससे सफल अभ्यर्थियों में आक्रोश है। अगली खबर क्या है? LU में PhD प्रवेश के आवेदन शुरू। लखनऊ विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय में 2024-25 PhD प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। PhD में प्रवेश के लिए आवेदन की शुरुआत हो गई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन 5 नवंबर तक किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रवेश समन्वयक की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगली खबर है, कैलेंडर में शामिल परीक्षाएं टली तो नई भर्तियां भी फंसेंगी। UPSC को आधा दर्जन भर्तियों के लिए काफी पहले मिल चुके हैं अधियाचन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में शामिल PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 और RO/ARO परीक्षा 2023 समय से कराई जा सकेगी या नहीं, इस पर असमंजस बना हुआ है। अगर ये परीक्षाएं चलती है तो नई भर्तियां का फंसना भी तय है। आयोग के पास आधा दर्जन नई भर्तियों के अध्यातन पड़े हैं। PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित है। पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध होने और परीक्षा संबंधी नए अध्यादेश को मंजूरी मिलने के इंतजार में इस परीक्षा
के टलने के आसार हैं। वहीं आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 भी तय पर हो सकेगी या नहीं, इस पर ऊहापोह की स्थिति है। आर ओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा योजना में संशोधन के बाद यह परीक्षा भी अब एक दिन में नहीं कराई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाता है तो भी परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से परीक्षा कराने में 2 दिन लगेंगे। इन परिस्थितियों में अगर आयोग को परीक्षा टालनी पड़ती है तो इसका प्रभाव उन भर्तियों पर भी पड़ेगा जिनके अध्याचन आयोग को मिल चुके हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 6000 से अधिक पदों पर राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 350 पदों और राष्ट्रीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए तकरीबन 1000 पदों के अध्याचन काफी पहले मिल चुके हैं। इसके साथ ही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी आयोग को रिक्त पदों के अध्याचन मिल चुके हैं। 11 फरवरी 2024 को हुई आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में अगर पेपर लीक का विवाद सामने नहीं आता तो आयोग के कैलेंडर में शामिल बाकी परीक्षाओं का आयोजन भी समय से हो जाता। अगली खबर है बीटेक एमबीए एमसीए रिक्त सीटों पर पंजीकरण आज। उत्तर प्रदेश के एक दर्जन से अधिक संस्थानों में सीटें खाली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 24-25 प्रवेश प्रक्रिया के तहत बीटेक एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम के रिक्त सीटों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। इसके लिए प्राविधिक विश्वविद्यालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और बेसिक शिक्षा मंत्री ने करा दी रामनवमी की छुट्टी। तो रामनवमी की छुट्टी आपको पता है कि शनिवार को था ही, शुक्रवार को नहीं था। शुक्रवार के लिए भी मांग चल रही थी जिसको उच्च अधिकारियों ने स्वीकृति प्रदान किया और अंत तो 11 तारीख अर्थात आज विद्यालयों में अवकाश है। प्रदेश के 76% स्कूलों में खेल शिक्षक नहीं। प्रदेश में 76% स्कूलों में गेम टीचर नहीं है, जहां है वहां मानक के अनुसार नहीं। यह स्थिति तब है जबकि 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में हर विद्यार्थी को स्पोर्ट की 50-50 अंकों के थ्योरी और आंतरिक परीक्षा अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होता है। सरकार ने इस बात को ध्यान में रखकर अभी से अग्रवीरों के लिए प्रदेश में सरकारी नौकरी में भी बेहतर समायोजन की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। इस परिप्रेक्ष्य में यूपी पुलिस और पीएससी के बाद अब स्कूलों में स्पोर्ट टीचर के पद पर भी अग्निवीरों को समायोजित करने की संभावना खोजी जा रही है, क्योंकि अग्निवीरों को सेना में शारीरिक दक्षता, फिजिकल ट्रेनिंग और खेलकूद का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण ट्रेनिंग मिलता है। लिहाजा सरकार माध्यमिक स्कूलों में पीटी अथवा स्पोर्ट टीचर के पदों पर अग्निवीरों को नियुक्त करना चाहती है। इससे सरकार के 2 काम आसान हो जाएंगे। पहला, अग्निवीरों का समायोजन का रास्ता साफ हो जाएगा, वहीं स्कूलों को प्रशिक्षित गेम पीटी या स्पोर्ट टीचर मिल पाएंगे। एआरपी का कार्यकाल मार्च तक बढ़ा। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन प्रत्येक ब्लॉक में 5 विषय के विशेषज्ञ टीचर हैं, उनका कार्यकाल मार्च 2025 को, ये मार्च 2025 को स्वतः समाप्त हो जाएगा। जिनका 3 वर्ष या 3 वर्ष से ऊपर हो गया है, उसी संदर्भ में आदेश आया था, यहाँ देख लीजिए। प्रसिद्ध विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर करने में विद्यालयों के औचक निरीक्षण के लिए तैनात 4400 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी का कार्यकाल मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। हर एआरपी को चालू शिक्षा सत्र में अपने ब्लॉक के 10 स्कूलों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य भी पूरा करना होगा। विद्यालय में तैनात शिक्षकों में से ही हर ब्लॉक में 5 कुल 4400 एआरपी तैनात किए गए हैं। इन्हें प्रेरणा ऐप पर विद्यालयों का सुपरविजन करना होता है। यह काम उन्हें प्रतिदिन कम से कम 2 घंटे करना होता है। एक ही विद्यालय का दोबारा निरीक्षण नहीं करना होता उस मंथ में। इसके लिए उन्हें हर माह 2500 रुपये टीए भी दिया जाता है। वर्तमान में पहले से चल रहे एआरपी कार्यकाल समाप्त हो गया था। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से भेजे प्रस्ताव पर बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर एम के एस सुंदरम ने साथादेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि एआरपी कार्यकाल मार्च 2025 तक बढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को जिन एआरपी का कार्यकाल 3 साल या उससे अधिक होगा, उनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। एआरपी का की दोबारा चयन प्रक्रिया होगी, दोबारा आवेदन लिए जाएंगे लेकिन उनको नहीं मौका मिलेगा। वहीं हर साल एआरपी का परफॉर्मेंस के आधार पर अप्रेजल चयन समिति के अनुमोदन के बाद इनका नवीनीकरण किया जाएगा। 3 साल पूरा होने के बाद कोई भी एआरपी आगे कभी भी एआरपी के लिए चयनित नहीं होंगे। तो यह थी आज की न्यूज। बाकी कल आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा सुन लीजिए। तो सीटेट जो परीक्षा है जो 15 दिसंबर को आयोजित होनी थी, उसके लिए नया शेड्यूल जो जारी हुआ है उसमें अब 14 दिसंबर अर्थात शनिवार को ही परीक्षा उसकी कराई जाएगी। लेकिन उसमें अपडेट में यह भी कहा गया है कि यदि किसी शहर में ज्यादा अभ्यर्थी मौजूद रहेंगे
अर्थात सेंटर की उपलब्धता कब रहेगी, तो दो दिन अर्थात 14-15 को भी परीक्षाएं होंगी। बाकी अन्य जगहों से अभी कहीं से कोई अपडेट नहीं आया है, जैसे प्राइमरी शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक भर्ती, इन जगह से अभी कहीं कोई अपडेट नहीं आया है। अगर कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को अवश्य अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।